अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीच आउट टू समीरा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मुगलो वाली रॉयल चिकन। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन, 4 टेबलस्पून दही, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाल दिया था। और इसको 20-25 मिनट्स के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है मसाला, 5 से बादाम, 5 से काजू, 1 टीस्पून सौंफ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 सूखी मिर्च। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ध्यान से रोस्ट कीजिए ताकि हमारा मसाला ना जले। मैं गैस को सिम में रख के ही भून रही हूँ और इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। अभी मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज़ प्याज, तो मैंने उसको स्लाइस कट कर लिया है। अभी इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल और अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है तेल, तो अभी मैं इसमें प्याज को भून लूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक हमारा प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जिसे इसको बिरिस्ता भी बोलते हैं, बिरयानी में डालते हैं, ऐसे बना लेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गैस को फुल में ही रख के भून रही हूँ मैं, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, तो ऐसा बनना चाहिए। इसको मैं अभी निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। तो मैंने सेम ऑयल लिया है, अभी उसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल दूंगी मैं और इसको 10 मिनट्स के लिए सिम में ही मैं पका लूंगी ताकि हमारा चिकन से कच्चापन का स्मेल चला जाए। दस मिनट बाद देख सकते हैं, तो अभी मैंने वो भुना हुआ मसाला को डाल दिया है, पाउडर कर लिया था, पूरा डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे तले हुए प्याज को भी डाल रही हूँ, पर हाथ से थोड़ा तोड़ के डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिक्सी में पाउडर नहीं किया है प्याज को, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, तो अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए सिम में मैंने पका लिया था, तो बन के रेडी है, देख सकते तो बन के रेडी है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो आपको अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।